रुपए फंड और फरेब के इस खेल ने एक बार फिर पाकिस्तान की पोल खोल करके रख दी है। यह साफ हो गया है कि अमेरिका से वित्तीय मदद लेकर पाकिस्तान इस फंड का अमेरिका पर ही इस्तेमाल कर रहा था ताकि कश्मीर मुद्दे पर भारत विरोधी अभियान चलाया जा सके। फई ने अमेरिका से पाकिस्तान सरकार से अपने रिश्तों को छिपाया। यह आरोप अगर साबित हो गया तो उसे 5 साल की सजा हो सकती है, लेकिन फई की गिरफ्तारी का भारत पर भी तरह तरह से असर हो रहा है। फई, फंड और फरेब, चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार केजी सुरेश। केजी, ये जो पूरा मामला फई के रिस्क निकल के आया, 30 साल से वो शख्स वहां पे रह रहा है, बाकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, और वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कॉन्फ्रेंसेज होती है, उसमें भारत वाले लोगों पे भी कुछ आरोप है कि उन्होंने अटेंड किए हैं वो कॉन्फ्रेंसेज। और क्या ये पॉसिबल है कि अमेरिका को परसों पता चला हो कि साहब फई तो इसमें इन्वॉल्व है? नहीं, देखिए, वो तो कई बार सामने आ चुका है, 6 साल से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सवाल जैसे ये अभी बताया गया, उदय भास्कर जी ने भी बताया कि जब उनको कन्वीनियंट लगा तो उन्होंने बाहर किया इस बात को, तो इसमें हम क्या क्यों नहीं सोच सकते कि जब उनको कन्वीनियंट लगा तो उन्होंने ओसामा पर हमला बोल दिया, उनको पहले ही खबर थी। तो अमेरिकन डिप्लोमेसी एक बिल्कुल ही आपको पूरा रणनीति एक कॉम्प्लेक्स इश्यू है। मेरे लिए यहां एज एन इंडियन, मेरे लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय ये नहीं है। हर मुल्क जब पाकिस्तान सीधे सीधे परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप में आतंकवाद को समर्थन कर रहा है तो ये तो एक सेमिनार और वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहा है, लेकिन जाने अनजाने भारत के बुद्धिजीवी, भारत के पत्रकार इन कॉन्फ्रेंसों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें ड्राफ्टिंग कमिटी में हिस्सा ले रहे हैं, रेजोल्यूशन में पाकिस्तान के समर्थन में, कश्मीर की आजादी के समर्थन में उन्होंने जो बातें कही है वो ज्यादा चिंता की विषय है, गंभीर चिंता की विषय है। वहां 4 सेमिनार हो गया, लॉबिंग किया, हमने भी लॉबिंग ग्रुप यूएस में हमने भी एंगेज किया था। हाँ, वहां सवाल यह था कि ISI करा रही थी, यहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एम्बेसडर एट लार्ज भी अपॉइंट किया था, कई सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने लॉबिंग फर्म्स को प्राइवेट हमने एंगेज किया हुआ है। तो देयर इज नथिंग, इश्यू ये नहीं है कि किसी ने सेमिनार करके एक एडवोकेसी किया अपना, इश्यू ये हमारे लिए चिंता की विषय है कि जाने अनजाने हमारे बुद्धिजीवी और इंक्लूडिंग एक इंटरलोक्यूटर केजी सुरेश, जब आप ये कह रहे हैं जाने अनजाने, तो अनजाने में अगर कोई शख्स किसी को न्योता देता है और कहता है साहब एक अच्छे कॉज के लिए हम ये कर रहे हैं, आइए इस पे ओपिनियन बनाइए, आप आइए अपना विरोध भी रखिए, तो उसमें शामिल होने में क्या बुराई? बिल्कुल, दो बातें हैं। ऐसा क्यों होता है कि सिद्धार्थ वरदराजन जो हिंदू के हैं उनको भी बुलाया जाता है, लेकिन ये पता करते हैं वो एंटीसीडेंट्स इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के, उसके ऑर्गेनाइजर्स के पीछे, और वो मना कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप पता नहीं, आपको फ्री टिकट मिल रहा है और आपको 2 दिन अमेरिका में भाषण देने का मौका मिल रहा है तो आप सीधे चले गए बगैर बताए। हमें भी 4 लोग आए दिन बुलाते रहते हैं कि आपको ये अवार्ड दिया जा रहा है, पर आप तो पत्रकार हैं ना। हाँ, तो ये भी तो पत्रकार लोग ही थे, सारे पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, ये इतने जागरूक नहीं थे जितने वरदराजन थे, आप ये कहना चाह रहे हैं? वो क्यों नहीं जागरूक थे? और दूसरी बात, जब ये जा रहे थे क्यों नहीं, हमारी सरकार की भी फेलियर है, हमारे एम्बेसडर्स या जो हमारे एम्बेसीज हैं उनकी फेलियर है कि जो हमारे लोग वहां जाते हैं उनको प्रॉपर ब्रीफिंग क्यों नहीं किया जाता। मुझे याद है काठमांडू में जब राजा बीरेंद्र का जब हत्या हुआ था, उस वक्त 2 महीने मैं भारत के एम्बेसडर से मिलने का अपॉइंटमेंट मांगता रह गया और बिल्कुल वो किसी से भी नहीं मिले, किसी पत्रकार से, और जिस वजह से भारत के सभी पत्रकारों को इतनी बदनामी हुई उस दौरान कि आप वहां के जो पूरे तंत्र के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, आप गलत स्टोरीज फाइल कर रहे हैं, तो ये किसका ड्यूटी था? क्या ये भारतीय एम्बेसी का मिशन का फर्ज नहीं था कि वो पत्रकारों को ब्रीफ करें? जाहिर, ये एक और मुद्दा है कि हिंदुस्तान को या भारत को तो ये पता था कि अंडरकवर ऑपरेटिव है, और अगर पता था तो उस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने इतने भारत के इतने वरिष्ठ पत्रकार जा रहे हैं, तो क्या कोई एडवाइजरी उनके लिए भी जारी होनी थी? आपको दिखाते हैं पत्रकार अब क्या तर्क दे रहे हैं। पर क्या उनका पाई, एक जानता हूं कि पाई एक अमीर आदमी है वहां पे कश्मीरी, तो अब उसने ये एक दावत भेजी कि इंडो पाकिस्तान रिलेशंस पे होगा सेमिनार वाशिंगटन में, तो चले गए। मैं तो एक ही बार गया था कई साल पहले,
और मुझे लगा कि ये पाकिस्तान लॉबीस्ट है, वैसे कह रहा था कि कश्मीर आजाद हो वगैरह, तो फिर उसके बाद मैं गया नहीं। के जी सुरेश, ये जो तर्क दे रहे हैं कितना सहमत हैं आप इनके तर्क? देखिए, मैंने शुरू में भी आपसे कहा जाने अनजाने, तो ये मैं नहीं कह रहा कि सब डेलिबरेटली गए, लेकिन कहीं ना कहीं एक कोताही, एक आपकी तरफ से कुछ जो करना चाहिए, लापरवाही जो है वो आपने जरूर। अब मैं आपको बताता हूं, यहां तक तो ठीक है कि ये लोग गए, विचारों की स्वतंत्रता है, आपने जाके बात को रखी, आपको बिल्कुल राष्ट्रवाद का बात नहीं करना चाहिए जैसे माथुर साहब ने कहा, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो कश्मीर के एक प्रमुख अखबार के संपादक है, वो ड्राफ्टिंग कमेटी में रहे और उन्होंने अपने भाषण में, जिसके एक्सर्प्ट आज बाहर आए हैं, जिसमें कहा है कि कश्मीर को आजाद होना चाहिए, कश्मीर जो है वो एक पेंडिंग इश्यू है, ये भारत के एक वरिष्ठ पत्रकार का उस सम्मेलन में कहना है। तो क्योंकि आप वहां फ्री फंड में जा रहे हैं, उनका मेहमान नवाजी का पूरा मजा उठा रहे हैं, तो आप उनको खुश करने के लिए एक स्टेटमेंट दे दें। ये हमारे जो सीनियर वरिष्ठ पत्रकारों में ये टेंडेंसी हमने, ये पहली बार नहीं देख रहे हैं, हमने देखा जब परवेज मुशर्रफ हिंदुस्तान में आए थे, उन्होंने फाइव स्टार बुला के जो एक अलग से उन्होंने खाना खिलाया, तो उस वक्त किस तरीके से वो जिस तरीके से परोस रहे थे, उसको चुपचाप बैठ के सारे पत्रकार हमारे बैठ के, वरिष्ठ पत्रकार संपादक लोग बैठ के वो जो कह रहे थे उसमें हां में हां मिलाए जा रहे थे। ये जो एक टेंडेंसी है होस्ट को प्लीज करने का, चाहे उसमें हम अपनी देश की हम कुछ भी कर डालें, वो जो एक टेंडेंसी है, ये इस पर हमें सोचने की बात है। एक तरह से एक अंतर मंथन की जरूरत है कि हम किसी कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, क्यों हम कहते हैं, मुझे अक्सर लोग जब बात करते हैं पाकिस्तान, वो तो कह रहे हैं कि जब वो वहां गए और उन्होंने देखा कि ये लॉबीज है, ये तो कश्मीर आजाद की बात कर रहा है, मैं सच्ची बात नहीं, जोशीनोय कह रहे हैं, शायद हो सकता है ऐसे पत्रकार भी हो, कोई मैं मानता हूं कि अनजान तरीके से भाई आपको एक इन्विटेशन मिला, आप चले गए, लेकिन ऐसे पत्रकार भी थे, ठीक है आप अनजान होकर चले गए, लेकिन आप ड्राफ्टिंग कमेटी में गए, आपने रेजोल्यूशन तैयार किया, जो ड्राफ्टिंग कमेटी है वो पूरे प्लान के तहत आईएसआई ने, आईएसआई के कहने पर, आप अगर चार्जशीट देखेंगे और सारा देखेंगे तो आईएसआई के कहने पर किस किस को बुलाया जाना चाहिए, किसको ड्राफ्टिंग कमेटी में रखना चाहिए, रेजोल्यूशन क्या प्रस्ताव पारित करना चाहिए, ये तय आईएसआई करती थी, और उसमें जाने अनजाने फिर हम भागीदार बन गए। तो क्या और किसी प्रोफेशन के आदमी को तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन संपादक स्तर का आदमी हु इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्जेक्टिव, पता तो उनको नहीं चल सकता था कि आईएसआई करती थी, हाँ? जाहिर है, ये आप मानते लेकिन हैं, भाषा नहीं, ये आप मानते हैं कि पता नहीं चल सकता था उनको कि आईएसआई करती है। अब आप क्या सवाल उठाना चाहते हैं कि क्या जब वो इस रेजोल्यूशन में शामिल हुए और ड्राफ्टिंग कमेटी में शामिल हुए तो उन्होंने राष्ट्रद्रोह किया है, ये आप कहना चाहते हैं? मैं राष्ट्रद्रोह जैसे संगीन आरोप तो उन पर नहीं लगाऊंगा, लेकिन ये जो एक इंटेलेक्चुअल जिसे कहते हैं कि हम लोग जो कॉफी कप, आप इसको विचारों की आजादी नहीं मानते? नहीं, ये विचारों की आजादी नहीं है, वो लोग इधर आके दूसरी भाषा बात करते हैं, तो जो कन्वीनियंस है भाई एक मंच में जाकर वहां, क्योंकि वो कश्मीर के सब बात कर रहे हैं तो उनके सामने हमें चैंपियन बनना है, हमें दिखाना है कि हम कितने निष्पक्ष हैं, लेकिन मुझे भारत और पाकिस्तान के जर्नलिस्टों का, आपका सजा फोरम और जितने भी साउथ एशियन जर्नलिस्ट वहां रख के, जो भारत के पत्रकार मित्रों ने मुझे जो बताया, उन्होंने एक बात बताया, उन्होंने कहा कि देखिए हम जब पत्रकार मिलते हैं दोनों मुल्कों के, तो हमारे पत्रकार तो पत्रकार होते हैं वही आजाद निष्पक्ष, लेकिन पाकिस्तान का पत्रकार पहले पाकिस्तानी होता है बाद में पत्रकार, तो सही है ना, उनका डेमोक्रेसी नहीं है, हमारे डेमोक्रेसी, तो ये जो है कि आप अपने नेशनल इंटरेस्ट। केजी सुरेश, मैं आपको यहाँ एक हल्का सा एग्जांपल देना चाहूंगा, जिस वक्त कसाब यहाँ कैप्चर हुआ था उस वक्त जियो टीवी कसाब के गांव तक पहुंच गया था पाकिस्तान का, अगर वो पाकिस्तान के हक में ये करते तो वो दिखाते नहीं, जियो टीवी को बंद कर दिया गया, उसका लोगो बैन कर दिया गया, उसके ऊपर तमाम अजियतें दी गई, तो आप अपने इस लॉजिक को कैसे सपोर्ट करेंगे? क्या उनका, लेकिन वो कॉज कसाब ने जो किया वो गलत था, लेकिन ये जो बात कर रहे हैं कश्मीर का, तो बाई लॉजिक आप ये कह रहे हैं कि कश्मीर में जो क्या फाई साहब कह रहे थे वो सही बात कह रहे थे? जी सुरेश, क्या पॉजिटिव रुख देखना चाहिए, कोई गया या ठीक है वो हुआ तो? पॉजिटिव रुख बिल्कुल देखना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमारे पत्रकारों को ये भी, ये एक सबक है कि जब भी कोई इन्विटेशन आ जाए विदेशों से तो जरूर पता जरूर करें, ये बहाना ना करें कि उस वक्त गूगल नहीं था, ये कोई बहाना नहीं है,
जरूर आप पता कर सकते हैं। अब तो गूगल है, हाँ अब तो गूगल भी है, याहू भी है, अब जो है वो गूगल है और दूसरे सर्च इंजन है, तो कम से कम अब देख लें कि आपको किसने बुलाया है, कहीं आप वहां जाकर के बिन बुलाए मेहमान ना बन जाएं और जो है वो अजियत उठाएं अपने ही देश में, जैसा कि बीजेपी ने जो है वो आरोप लगाया। बहरहाल प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही, सैयद अंजादी को दीजिए इजाजत। We'll be right back.